बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 510 का क्विज़ 2, जो कि मैं लाइव अटैम्प्ट करूँगी। इसमें टॉपिक इंक्लूड है 51 से 75 तक, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 मई है, और इसकी जो एंडिंग डेट है वो 17 मई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्विज़ स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कोड स्विचिंग इज कॉल्ड जक्सापोजिशन विद इन द सेम डैश ऑफ पैसेजेस ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ग्रामेटिकल सिस्टम और सब सिस्टम। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, टॉपिक एक्सचेंज, स्पीच ड्यूरेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीच एक्सचेंज, ऑप्शन सी। बायलिंगुअल इज अ पर्सन हु हैज नेटिव लाइक कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट डैश लैंग्वेजेस। बायलिंगुअल कौन सा पर्सन होता है जिसको नेटिव लाइक कंट्रोल हो कम से कम दो लैंग्वेजेस पर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू। द कन्वेंशन दैट स्पीच कम्युनिटी शेयर्स अबाउट देयर स्पीच वैरायटी कैन बी कॉल्ड क्रिएटिव कॉम्पिटेंस, कंजर्वेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कंस्टेटिव कॉम्पिटेंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ आवर सोशल एंड पर्सनल आइडेंटिटीज, स्टेटस, जेंडर, क्लास, एज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न अप्रोच टू डिस्क्राइब स्टाइल, कम्युनिकेटिव अकोमोडेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इंडेक्सिकल ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंडेक्सिकल ऑर्डर। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ मोर देन डैश लैंग्वेजेस बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और कम्युनिटी। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रेफर द वराइटीज अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज का करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर्स, अकॉर्डिंग टू यूजर्स, सॉरी अकॉर्डिंग टू यूज जो है वो करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू यूज रजिस्टर है, अकॉर्डिंग टू यूजर जो है वो एक्सेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्यूड एज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉलर मोर वेरिएबल यूनिट्स नोन एज डांसेस, स्टाइल। टैग स्विचिंग मीन्स डैश ऑफ टैग ऑफ वन लैंग्वेज इनटू एन यूटरेंस दैट इज अदरवाइज इन द अदर लैंग्वेज, इंसर्शन। सोशल क्लास इज अ डैश कॉन्सेप्ट इन सोशल लिंग्विस्टिक रिसर्च, सेंट्रल। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितने एमसीक्यूज रिपीट हुई हैं। प्रेस्टीज इज अटैच टू सर्टन कोड्स, टेनोर्स, एक्सेंट्स, मोड्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्सेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टैग स्विचिंग मीन्स डैश ऑफ टैग ऑफ वन लैंग्वेज टू एन अटरेंस इज द अदर लैंग्वेज। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंसर्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, बायलिंगुअल इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैज एक्सेस टू मोर देन वन लिंग्विस्टिक कोर्स। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, साइकोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल यहाँ आए पे है। बायलिंगुअल इज अ पर्सन हु हैज नेटिव लाइक कंट्रोल एट लीस्ट डैश लैंग्वेजेस, यानी बायलिंगुअल कौन सा पर्सन होता है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज की जितनी महारत होती है, कितनी लैंग्वेजेस में, एट लीस्ट टू लैंग्वेज। द कन्वेंशन दैट स्पीच कम्युनिटी शेयर्स अबाउट देयर स्पीच वैराइटीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज यूज बाय कचरूज रेफर टू द कंटिन्यूम ऑफ द बायलिंगुअल, जीरो पॉइंट, अपर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। तो ये सारे जो हैं कचरू ने डिस्क्राइब किए थे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सोशल क्लास इज अ मेजर ऑफ डैश विच इज ऑफन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, इनकम एंड वेल्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टेटस,
नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज, ये वाला कंफर्म कर रहते हैं स्टेटस वाला एक दफ़ा हैंडआउट से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो इसमें क्लियर हो जाए। ये हम सर्च कर लेते हैं हैंडआउट्स में से। सोशल क्लास, इसको सोशल क्लास के कीवर्ड से सर्च करेंगे तो देखेंगे इसका हमारे पास आंसर है। सोशल क्लास इज अ मेजर ऑफ स्टेटस विच इज़ ऑफन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन इनकम एंड वेल्थ। तो ये वाला भी चले हमें कंफर्म हो गया, इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी। जिसकी हमने फाइल बनाई है, बायलिंगुअल इज अ पर्सन हु हैज नेटिव लाइक कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट डैश लैंग्वेजेस एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू वर्डफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग, सिचुएशनल एंड मेटाफोरिकल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायलैक्ट इज अ डैश वेरिएशन, नेचुरल फंक्शनल अननेचुरल सोशल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा सोशल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म फॉर्मल टू इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टाइल। कोड स्विचिंग इज कॉल्ड जक्सापोजिशन विद इन द सेम डैश ऑफ पैसेजेस ऑफ स्पीच बिलोंग टू टू डिफरेंट ग्रामेटिकल सब सिस्टम, स्पीच एक्सचेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी ओल्ड फैशन लैंग्वेज नॉट इन ऑर्डिनरी यूज नॉट एट ऑल टूडे इज नोन एज, तो ये वाला रिपीट हो रहा है आर्किक, ऑप्शन सी करेक्ट है। लैंग्वेज हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोड मिक्सिंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपने याद रखना ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग को आपस में मिक्सअप नहीं करना, इसका करेक्ट आंसर कोड मिक्सिंग था। बायलिंगुअल इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिविजुअल हु हैज एक्सेस टू मोर देन वन लिंग्विस्टिक कोड, तो ये वाला भी रिपीट हुआ है साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सेंटेंस और क्लासेस, तो इसका करेक्ट आंसर है इंट्रा सेंसेशनल स्विचिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु इज अर्थ्स मोस्ट मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ आइडिया इनिशिएटिव और अदरवाइज ऑफ व्हाट सोशल क्लास इज, तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, किसने ये असर्ट किया था, ट्रगल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कन्वेंशन दैट अ स्पीच कम्युनिटी शेयर्स अबाउट देयर स्पीच वैरायटी कैन बी कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोड्स स्विचिंग इज फाउंड इन द गिवन सेंटेंस, मैं तो यहाँ हूँ, व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे जो व्हाट हैपेंड है वो पहले सेंटेंस को ही रेफर कर रहा है ना, तो ये जो स्विचिंग होती है उसको हम कहते हैं टैग स्विचिंग। हु क्रिटिसाइज द टर्म रजिस्टर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से बार बार रिपीट हुआ है, तो किसने रजिस्टर्स की टर्म को क्रिटिसाइज किया था, इसका करेक्ट आंसर है डेविड क्रिस्टल। नेटिव साउथ अमेरिका इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट फॉर स्टडिंग द रिलेशंस बिटवीन डैश टेरिटरी एंड कल्चर एथनीसिटी, करेक्ट आंसर होगा लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ मोर देन डैश लैंग्वेजेस एज अ सिंगल इन्वॉल्वड और इंडिविजुअल और कम्युनिटी, तो मल्टी लिंग्वलिज्म का मतलब है एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा वन। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ आवर सोशल एंड पर्सनल आइडेंटिटीज, एज। वेरी ओल्ड फैशन लैंग्वेज नॉट इन ऑर्डिनरी यूज एट ऑल टूडे नोन एज, तो ये वाला भी रिपीट हो रहा है आर्किक। एक्सेंट इज अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ डैश ऑफ लैंग्वेज especially one associated with the particular country, area or social class, pronouncing. According to whom are most of the definition and acts such as idea and partial bilingualism, coordinate and compound bilingualism. तो ये किसके अकॉर्डिंग था, रोमेन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। A dialect varies from other dialects of the same language simultaneously one at least dash level of organization, तो at least three level of organization, तो ये आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसका करेक्ट आंसर है three।